इनको राजस्थान की जनता ने सरकार दे दी, सत्ता दे दी, तो इनको जो जांच करानी है ईडी से कराएं, इनकम टैक्स को भेजें, ये एसीबी से कराएं, एसओजी से कराएं, एसआईटी गठित करें, जो इनको करना वो करें। लेकिन आज 50 दिन से ज्यादा हो गए, राजस्थान में एक फूटी कोड़ी का काम नहीं हुआ। जो मेरे को सूचना प्राप्त है, 10-10 दिन हो गए कि हम मिलना चाहते हैं, अभी तक मिलने का समय इनको नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी भ्रमण पे उतरे हुए हैं, वो भ्रमण से वापिस जयपुर राजधानी में लौटें, फिर ये मोदी जी आना जाना बंद करें, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी रोक को वापिस हटाए, ये काम चालू करें, तब राजस्थान की जनता का काम होगा। तो भाई देखो, पर्ची सरकार है, ये पर्चियों से चलेगी, या तो इनकी पर्ची आएगी दिल्ली से या आएगी भारतीय भवन से, जो इनको कहा जाएगा वो काम इनको करना है। इनका खुद का विवेक तो शून्य है। एसीबी में मामला दर्ज है, जांच चल रही है, एसओजी भी अलग से जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है, अब इनको राज दे दिया, ये विपक्ष में नहीं है, इनको जांच करा लें, कौन मना कौन कर रहा है इनको। लेकिन यहां जिस प्रकार का वातावरण बना करके दोषारोपण कर रहे हैं सरकार के ऊपर, वो मैं समझता हूं कतई उचित नहीं है, ये रवैया इनका ठीक नहीं है। ये अब सत्ता पक्ष में आ गए, ये प्रतिपक्ष में नहीं रहे हैं। मंत्री महोदय को जो जवाब उनको देना चाहिए था, जो पूछा गया था, उसके ऊपर अपनी बात कहनी चाहिए। अभी तो दूर तक जाएंगी ये बातें कि किन लोगों ने टेंडर निकाले थे, किन लोगों ने, जिनके खिलाफ ईडी की जांचें चल रही हैं, एसीबी की जांचें चल रही हैं, कौन लोग उसका पेमेंट दे रहे हैं, कौन मंत्रियों के, मंत्री मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के कौन लग चुके हैं, ये सब चीजें सामने आ जाएंगी। इनको चाहिए कि अब ये राग अल्पाना बंद करें, गड़बड़ हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया, इनको राजस्थान की जनता ने सरकार दे दी, सत्ता दे दी, तो इनको जो जांच करानी है ईडी से कराएं, इनकम टैक्स को भेजें, ये एसीबी से कराएं, एसओजी से कराएं, एसआईटी गठित करें, जो इनको करना वो करें। लेकिन आज 50 दिन से ज्यादा हो गए, राजस्थान में एक फूटी कोड़ी का काम नहीं हुआ। आपने देखा किस प्रकार से जवाब दे रहे थे, 5वें महीने में 6वें महीने में 7वें महीने में 8वें महीने में 9वें महीने में 10वें महीने में जो टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई, उसका वर्क ऑर्डर नहीं हो रहा है, या तो आप कैंसिल कीजिए या काम को आगे बढ़ाइए। जब आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आप एक रुपए का वर्क ऑर्डर नहीं करोगे, वर्क ऑर्डर हो गया वो काम चालू नहीं करोगे, जब तक उस आदेश को आप विड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपका काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये इस तरीके का जो वातावरण बना करके राजस्थान की विधानसभा की जो बहुत ही अच्छी परंपरा है, इसको शर्मसार कर रहे हैं। इनको चाहिए, सरकार है इनके पास में, जो जांच इनको करानी है, जिसकी जांच करानी है, ईडी से करानी है, इनकम टैक्स से करानी है, सीबीआई से करानी है, इनको मना कौन कर रहा है आप बताइए, कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन इनको जांच नहीं करानी है, इनके पास में कहने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास में करने के लिए कुछ नहीं है। इनको मंत्रियों को एक एक ऐसे तो नहीं मिला, ये किसकी जांच कराएंगे, क्या बात कराएंगे। इनके मुख्यमंत्री जी अभी तक शायद मंत्रियों के, जो मेरे को सूचना प्राप्त है, 10-10 दिन हो गए कि हम मिलना चाहते हैं, अभी तक मिलने का समय इनको नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी भ्रमण पे उतरे हुए हैं, वो भ्रमण से वापिस जयपुर राजधानी में लौटें, फिर ये मोदी जी आना जाना बंद करें, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी रोक को वापिस हटाए, ये काम चालू करें, तब राजस्थान की जनता का काम होगा। मेरा ऐसा मानना है कि लोकसभा चुनाव तक ये यूं ही गोल गोल चक्री घूमते रहेंगे, कोई जनता का काम नहीं करेंगे, फिर मंदिर की बात करेंगे, अयोध्या की बात करेंगे, हिंदू की बात करेंगे, और करा के और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की जो इनका षड्यंत्र है। लेकिन अब की बार कामयाब नहीं होंगे, राजस्थान की जनता, देश की जनता जान चुकी है कि मोदी जी ने जो भी वादे किए वो पूरे आज तक एक भी वादा नहीं किया। राजस्थान में जिस उम्मीद के साथ में इनको सरकार सौंपी थी, उस उम्मीद पे ये एक पैसा भी खरा नहीं उतरे। आज 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो इनको काम करना चाहिए, और जिसकी जांच करानी है, जिसको अपराधी पाया जाएगा वो जेल में जाएगा, किसको क्या चिंता है आप बताओ। आप रोजाना धमकाने का काम कर रहे हो, काम तो कुछ कर नहीं रहे हो। एक भी मंत्री ढंग से जवाब नहीं दे रहा है, सारे के सारे माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं सत्ता पक्ष के, खुद ही हाउस को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो भाई
ये कितने दिन चलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा। आज इस प्रकार से जो हमारे पीएचडी मंत्री महोदय हैं, उनका जो आचरण था वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था। एक मंत्री को अपनी गरिमा में रहते हुए अपने विभाग का जो माननीय सदस्य ने क्वेश्चन पूछा उसका उनको जवाब देना चाहिए था, न कि जैसे बाहर सड़क के ऊपर भाषण दे करके और लोगों को रिझाने का काम कर रहे हैं और सबको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। तो भाई ये तो दो दिन की बात है, आ जाओ आप काम करो, तब पता चलेगा कौन क्या है क्या नहीं है, यही बात। तो भाई देखो, पर्ची सरकार है, ये पर्चियों से चलेगी, या तो इनकी पर्ची आएगी दिल्ली से या आएगी भारतीय भवन से, जो इनको कहा जाएगा वो काम इनको करना है। इनका खुद का विवेक तो शून्य है, खुद के विवेक से थोड़ी करेंगे। करो ना, कौन मना कर रहा है, जो इनको लगाना है लगाओ, इनको सरकार दे दी, लेकिन जनता के काम तो करो। आज एक मीटर पाइपलाइन नहीं बिछा सकते आप, तो ये है क्या, सारे के सारे काम रोक रखे हैं। पंचायत राज में, पंचायत समितियों में, ग्राम पंचायतों में पैसे पड़े हुए हैं, उनकी वो सैंक्शन नहीं निकाल सकते, उनका सैंक्शन निकाली हुई है उसका वर्क ऑर्डर नहीं दे सकते, तो ये कर क्या रही है सरकार, समझ में नहीं आ रहा। निकाल दिया ना, निकालेंगे, देखते हैं क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते। आपका जो विरोध था वहां सदन में, क्यों था सारे लोग? हमारा विरोध इस बात को लेकर के था कि जो मंत्री की गरिमा होती है और जो क्वेश्चन माननीय सदस्य ने पूछा था, उन्हीं के सत्ता पक्ष के थे, उस क्वेश्चन का जवाब उनको देना था, न कि जो कांग्रेस की सरकार थी पिछले 5 साल में उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना, सबको चोर बताना, सबको भ्रष्टाचारी बताना। तो भाई तुम्हारे पास में सत्ता है, गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, जिसके खिलाफ जो जांच करानी हो, जो डिपार्टमेंट आपके पास में है जिसकी जांच करानी हो, जांच कराइए, अगर कोई गड़बड़ पाई जाएगी तो उसमें कहां दिक्कत है, वो सजा भुगतेगा। लेकिन इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी करके, किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगा करके आप जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हो वो नहीं मिलने वाली है, जनता सब देख रही है। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।